अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? भाई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी YouTube जर्नी के बारे में, किस तरह मैंने चैनल स्टार्ट किया और शुरू में मेरे दिमाग में किस तरह की सोचें आती थी। मैं जॉब भी करती थी लेकिन मेरा किस तरह से दिल किया कि मैं चैनल स्टार्ट करूँ और किस तरह से मैंने चैनल को ग्रो भी किया। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि मैं जॉब करती थी लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। मैं जॉब भी करती थी, काम भी करती थी घर के, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर रही लाइफ में, क्योंकि उस तरफ मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि वो काम करूँ जिसमें मेरा दिल भी लगे और इंटरेस्ट भी हो और ग्रूमिंग भी हो। तो फिर यूट्यूब चैनल का मुझे आइडिया आया, फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उसी दिन, उससे अगले दिन मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। और ये मैंने कैसे क्लियर किया कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है, ये मैं आप लोगों को मजे की बात बताती हूँ। शुरू से ही मुझे वीडियोस बनाने का, सेल्फीज बनाने का बहुत ज्यादा क्रेज था और साथ ही साथ मुझे मेकअप और साथ में स्किन केयर की प्रोडक्ट का तो बहुत ही शौक था और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा था। लगाऊं चाहे ना लगाऊं, मैं इतनी चीज़ें बाय करती थी, इतनी चीज़ें बाय करती थी कि पैसों का भी वेस्ट था, लेकिन फिर भी मुझे उसी से एक्सपीरियंस हुआ और वो मेरे बाद में काम भी आई, क्योंकि फिर चैनल पर मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, वो मेरे काम आया। मैंने आप लोगों को बताया उसके बारे में। अच्छा, मैंने चैनल जो है वो 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था और 2 ही मंथ के बाद मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया और फिर अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मोनिटाइज होने की नहीं थी, अर्निंग की नहीं थी, जितनी ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि मैंने ऑडियंस बना लिया है, लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ और मेरा दिल लग गया। सीरियसली, अब मेरा चैनल के साथ इतना दिल लगा है कि जब मैं वीडियोस नहीं बनाती, एक दिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाई ना तो रात को मेरे सर में दर्द होने लग जाता है कि मैंने अपना जो इंपॉर्टेंट काम था वो नहीं किया। इसलिए नहीं कि अर्निंग आती है, इसलिए कि मेरा मतलब एक दिल का जो काम है ना उसको करने में मज़ा आता है, तो वही मेरे साथ भी ऐसा। अच्छा, शुरू में जब मैं वीडियोस बनाती थी ना तो मेरी छोटी सिस्टर मेरी हेल्प करती थी और मैं उससे कहती थी जल्दी करो, जल्दी वीडियो बनाओ, जल्दी क्या मोबाइल पकड़ो। मतलब मैं उस पर इतना गुस्सा करती थी, मुझे खुद समझ नहीं आती थी, इरिटेशन से होती थी, बेचैनी से होती थी। जब मैं सोच लेती थी कि अभी मैंने वीडियो बनानी है, आधा घंटा पहले से ना मुझे कुछ होने लग जाता था। शुरू में मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कैमरा ऑन किया और फर 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 बोलना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था, शाय फील होता था, इरिटेशन मतलब कि मुझे होने लग जाती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे वीडियोज़ बनाती गई उसकी यूज टू होती गई हूँ और अब मुझे जो है वो कुछ भी नहीं होता, एक घंटे में आधे घंटे में वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ये होता है कि मैं बहुत सारी दफ़ा रीटेक लेती हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आता। जब तक कि मुझे खुद मज़ा ना आए वीडियो का, तब तक मैं उसे अपलोड नहीं करती। एक बात तो ये, दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 में, अब कितने ज़्यादा चैनल्स हैं, लाखों करोड़ों में चैनल्स हैं और लाखों में तो मोनिटाइज हैं, करोड़ों में वैसे बनाए होंगे। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मेरे इर्द गिर्द तो हर दूसरे बंदे ने चैनल बनाया है, चाहे उसका चला चाहे नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन उसने बनाया जरूर है। तो आपको मैं टिप दूंगी, अगर आप चैनल को बनाना चाहते हैं तो आज ही बना लें, आज से बेहतर कोई दिन नहीं आएगा। और अगर जो है आप ग्रो करना चाहती हैं, उसके लिए टिप ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, लॉयल होकर काम करना है, सबसे बड़ी बात वो वाला काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, आप फोर्सफुली कर रहे हैं कि ये चीज़ यूट्यूब पर चल रही है तो ये चीज़ मुझे भी करनी चाहिए, तो आपकी वो चीज़ नहीं चलेगी। आपके अंदर जिस चीज़ का टैलेंट होगा आपकी वही चीज़ चलेगी। अभी भी जब हम कभी डिस्कस कर रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड आपस में, तो मैं कहती हूँ कि मेरा शुक्र है चैनल जल्दी चल गया। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा क्यों नहीं चलना था, तुम्हारी तो जुबान इतनी टट 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 चलती है तो चैनल तो फिर चलेगा ही। मुझे इतनी हंसी आती है। अच्छा, आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और थोड़ी सी मैंने आज बातें करनी थी, थोड़ा सा मोटिवेट करना था। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं ये काम तो वो कर सकते हैं। टिप मैंने आप लोगों को दे दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। खुदा।